हमने हर किसी के मुंह से सुना है कि SIP करो, म्यूचुअल फंड करो, वो बहुत ही अच्छा होता है, और हम उनके कहने पे स्टार्ट कर भी देते हैं अपनी SIP। लेकिन हम फिर भी 7 ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और हमें नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल जाते हैं। तो कौन से हैं वो 7 पॉइंट जिन्हें हम नहीं दोहराना चाहिए, जिन्हें हमें क्लियर आउट करना चाहिए तब हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहला आता है SIP आपको कितना भी नेगेटिव रिटर्न देते आपको उसे कभी बंद नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, SIP हो चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे कोई स्टॉक मार्केट हो, कोई भी कंपनी हो, देखो उसका मैक्सिमम जो लॉन्ग टर्म पीरियड होता है उसमें उसके प्रॉफिट होने के चांसेस ही होते हैं। तो अगर वो शॉर्ट टर्म में आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं तो आपको उससे घबराना नहीं होता है, बल्कि उसमें कंटिन्यूस बने रहने होता है, क्योंकि फ्यूचर में मार्केट ने ऊपर ही जाना है, तो आपको वहाँ पे कभी भी अपनी SIP को बंद नहीं करनी चाहिए। दूसरा, देखो वॉरेन बफेट, जिसे हम किंग कहते हैं शेयर मार्केट का, उनका एक छोटा सा कोट है कि जब भी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड कोई भी हो, जब अपनी हाई पे हो तब आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए, और जब भी मार्केट जितना डाउन हो आपको उस टाइम उतना लालची हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, जब मार्केट जब आपको हाई प्रॉफिट हो रहा हो उस टाइम आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए, ना कि उस टाइम पे आपको और म्यूचुअल फंड या और शेयर खरीदने चाहिए। हाँ, जब आपको दिखे कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं, आपकी SIP बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, तो आपको उस टाइम पे और म्यूचुअल फंड खरीदने चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो आपके प्रॉफिट भी उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तीसरा आता है, अपने म्यूचुअल फंड को हमेशा ट्रैक करते रहो। कैसे ट्रैक करना है? बेसिकली जिस म्यूचुअल फंड को आप चूज़ करते हो, आपको देखना है कि वो म्यूचुअल फंड किन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वो ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जिनका फ्यूचर ग्रोथ कम है या जिनमें फ्यूचर के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको उन चीज़ों को ट्रैक करना पड़ता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड लो कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत पड़ रहती है, लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है जो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। चौथा जो रीज़न है ना दोस्तों, वो आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। देखो, आप कहीं पे जॉब करते हो ना, तो आप हर ईयर के बाद यानी मैक्सिमम ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आप अपनी सैलरी इंक्रीज कराते हो, लेकिन वहीं पे हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है, हम अपनी सैलरी तो इंक्रीज कराते हैं हर ईयरली बेसिस पे, हर मंथली सॉरी क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन हम अपनी SIP के अमाउंट को इंक्रीज नहीं करते कभी। मान लीजिए आपने अगर एक साल पहले अगर 500 रुपये की SIP की होगी तो आज भी वो 500 की होगी, या आपने पिछले 5 साल पहले अगर 500 की SIP करी होगी तो आज भी वो 500 की है। नहीं, जैसे आप अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करवाते हो हर ईयरली बेसिस पे, आपको अपनी SIP को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर आप आज 1000 रुपये की SIP कर रहे हो, जितना आपसे इंक्रीज़ कर सकते हो 1200 या 1500, आपको हर ईयरली या क्वार्टरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस पे अपनी SIP की अमाउंट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ जरूर करना चाहिए। पांचवा आता है, ऑलवेज चेक म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस हो। देखो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कभी भी आप कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सपेंस रेशो, क्योंकि देखो एक्सपेंस रेशो ईयरली बेसिस पे आपका कैलकुलेट होता है। और मान लीजिए अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया जिसका एक्सपेंस रेशो 1% है और आपने उसमें अच्छी खासी SIP की, और जब आप उसे विड्रॉल करते हो तो मान लीजिए आपका जो पोर्टफोलियो है वो है तकरीबन 1 लाख का, यानी आपको टोटल 1 लाख रुपये उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है टोटल प्रॉफिट मिला के, जब आप उसे विड्रॉल करने जाओगे तो 1% आपका म्यूचुअल फंड टैक्स काटेगा जो उसकी फीस होती है। तो आप अगर 1 लाख रुपए आपका उसमें इन्वेस्टेड है टोटल मिला के, तो आपको उसमें सिर्फ 90,000 ही मिलेंगे। वहीं पे अगर आपका जो एक्सपेंस रेशो होगा वो अगर 0.50% होगा तो आपको वहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपये ही कटेंगे, यानी अगर 1% है तो आपको 90,000 मिलेंगे और 0.5% है तो आपको 95,000 मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, यानी जितना भी एक्सपेंस रेशो आपको कम मिले वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए हमें सही एक्सपेंस रेशो को जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। छठा आता है, जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो आपको उसके फंड मैनेजर की पास्ट हिस्ट्री जरूर चेक करनी चाहिए, और अगर उसने पास्ट में किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में काम किया है तो वो तो आपको जरूर ट्रैक करना चाहिए कि उसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है। सातवां आता है हमारे यहाँ पे, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। देखो, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपको जरूर रखना चाहिए दोस्तों। ओवरऑल अगर आपको अपने रिटर्न को मैनेज करना है, आपको एक सेफ रिटर्न, जैसे हम कह सकते हैं कि सेफ आपको मिनिमम 25 या 20% का अगर रिटर्न चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 म्यूचुअल फंड में SIP जरूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिंगल 1 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। बाई चांस आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और लार्ज कैप ने आपको नेगेटिव रिटर्न दे दिया, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे 2-3 म्यूचुअल फंड में रहेगा, तो अगर आपको एक में नेगेटिव रिटर्न भी मिलेंगे तो दूसरे और तीसरे में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो मैनेज हो जाएगा।
आई होप आपको ये 7 चीज़ें समझ आई हो कि आपको इन 7 चीज़ों को जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी जाके आप अपना अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पाओगे।